Good morning, students. Welcome to the Bishop School online class. Today we are going to learn craft, and today's lecture is for the standard 8. आज हम सीखने वाले हैं craft, और ये हम सीखने वाले हैं 8th standard के लिए. अब ये जो हम craft में topic सीखने वाले हैं, ये आपको guess करना है. तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक hint देती हूँ. Okay? तो ध्यान से सुनिए. ये ऐसी चीज है जो रेनी सीजन में यूज होती है और उसके बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और उसके बिना अगर आप घर से बाहर निकल भी गए तो पूरे भीग जाओगे. और ये ऐसी चीज है जो घर में से छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग यूज करते हैं. तो आपको समझ में आया ये कौन सी चीज है? तो ये है अम्ब्रेला. तो आज का क्राफ्ट का 8 का फर्स्ट टॉपिक है अम्ब्रेला. तो चलिए शुरुआत करते हैं. इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए है क्राफ्ट पेपर. मैंने दो क्राफ्ट पेपर लिए हैं. ओके, मैंने दो क्राफ्ट पेपर इसके लिए लिए बिकॉज मुझे जो अम्ब्रेला बनानी है वो मुझे दो कलर में दिखानी है. अगर आपको लग रहा है आपको एक ही पेपर लेना तो आप एक ही पेपर ले सकते हो. अभी अम्ब्रेला बनाने के लिए मुझे चाहिए सर्कल, वो भी सर्कल सेम साइज की. तो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, ये दो क्राफ्ट पेपर ले रही हूँ साथ में और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ. बाद में यहाँ से कुछ ऐसे फोल्ड. फिर मैंने सर्कल के लिए राउंडर लिया और मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया कुछ इस तरह से. फिर मैंने सीजर ली और इसको कट. आराम से कट करना है. ओके, जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ही कट करना है. तो इस तरह से मेरे ये कुछ सर्कल्स कट के देखिए सबकी साइज सेम है. तो इस तरह से ये मेरे सर्कल्स रेडी हो गए. अब ये सर्कल को फोल्ड करना है. किस तरह से फोल्ड करना है देखो, अगर वाइट पेपर है और यहाँ पे कलर पेपर है तो ये जो वाइट पेपर है वो अंदर जाना चाहिए. तो मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे कुछ इस तरह से दो फोल्ड किए. इस तरह से हमें सारे सर्कल्स फोल्ड करके लेने हैं इस तरह से. अगर आपको लग रहा है कि आपको एक ही कलर का पेपर लेना है तो आप ले सकते हो. अगर आपको लग रहा है मुझे बहुत सारे कलर्स यूज करने हैं आप वो भी कर सकते हो. अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है तो जो वेडिंग कार्ड्स आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो. तो ये भी इस तरह से फोल्ड किया. देखिए वापस से ये वाला भी कुछ इस तरह से फोल्ड कर लिया. तो ये भी फोल्ड हो गए. ओके, इस तरह से फोल्ड होने के बाद फेविकोल लेना है और तो उसको स्टिक करना स्टार्ट करना. ये जो सर्कल है जो मैंने फोल्ड करके लिया है. ओके, मैंने कुछ इस तरह से लिया है. तो ये जो सर्कल ये साइड आएगा. फेविकोल लिया है, इस तरह से लगाया, फिर इसको स्टिक किया. अच्छे से स्टिक करना है. फिर वापस से फेविकोल लगाया. अल्टरनेट कलर लिए हैं. ओके, आपको भी अल्टरनेट कलर लेने हैं अगर आप यूज कर रहे हैं तो. अगर आप सिंगल कलर यूज कर रहे तो फिर आप सब साथ में लगा सकते हो कुछ इस तरह से. ब्राउन कलर लिया, उसको भी अच्छे से फोल्ड किया.
ठीक किया। अभी लास्ट वाला बचा है तो मैंने क्या किया है, दोनों साइड पे फेविकोल लगा दिया और कुछ इस तरह से स्टिक किया। तो देखिए इस तरह से हमारे अम्ब्रेले का जो ऊपर का पोर्शन है वो रेडी हो गया है। अभी हम लोगों को बनाना है उसकी स्टिक। उसके लिए मैंने क्या किया है, एक वाइट पेपर लिया है, ओके, मेरे पास लाइन किया हुआ पेपर है, कुछ इस तरह से उसको राउंड किया और इस तरह से फोल्ड किया, वापस से फेविकोल लिया जो अम्ब्रेला होती है वो यहाँ से कुछ उसका जो नीचे का पोर्शन होता है वो बेंड होता है, यानी कि सेमी सर्कल इसके तरह कुछ इस तरह से किया, देख रहा है। फिर मैंने यहाँ पे पोर्शन पे फेविकॉल लगा दिया, इसको फैला दिया और ये जो हमने अम्ब्रेला बनाई है यहाँ पे उसको स्टिक कर दिया कुछ इस तरह से। अच्छे से स्टिक करना ताकि वो निकले। तो इस तरह से हमारा अम्ब्रेला आप देख सकते हो रेडी हो गया। अभी हम लोग को ये जो अम्ब्रेला बना है वो हमारे बुक में स्टिक करना है। इसके लिए आपको बुक लेनी है A4 साइज की ड्राइंग की बुक। मैंने यहाँ पे ड्राइंग की बुक ली है। सबसे पहले आपको जो आपकी बुक है उसमें इंडेक्स में आज की डेट डालनी है और आज का टॉपिक डालना है। फिर पेज को ओपन करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है और वापस से यहाँ पे आज की डेट और आज का जो टॉपिक है अम्ब्रेला वो लिखना है। मैंने अम्ब्रेला स्टिक करने से पहले यहाँ पे कुछ ड्राइंग ड्रॉ किया हुआ है, ओके, तो फिगर की है, पीछे सीनरी ड्रॉ किया है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि आपको यही ड्रॉ करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ रेन ड्रॉप्स दिखाओगे बीच में यहाँ पे अम्ब्रेला स्टिक करोगे तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ अम्ब्रेला स्टिक करना है तो वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पेंट कलर। अगर आपको यूज़ करना है ड्राई कलर्स यानी कि क्रेयॉन कलर्स, पेंसिल कलर या स्केच पेन तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे ये स्टिक कर रही हूँ अम्ब्रेला। तो स्टिक कैसे करना है, ये जो हम लोगों ने पेपर फोल्ड किया है तो कुछ इस तरह से पोर्शन करना है ओपन, आपको फेविकॉल लगाना है, इसको फैलाना है और इस लड़की के हाथ में मैंने ये दे दिया अम्ब्रेला और इसको स्टिक कर ले। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो गया है, ओके। वापस से मैं आपको रिमाइंड दे रही हूँ कि आपको बुक यूज करनी है A4 साइज की, इंडेक्स फिलअप करना है, आज की डेट लिखनी है, आज का टॉपिक लिखना है, फिर उस पेज पे आना है जहाँ पे हम लोगों को अम्ब्रेला स्टिक करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, आज की डेट डालनी है वहाँ पे टॉप पे और टॉपिक लिखना है अम्ब्रेला। जब आपको अम्ब्रेला स्टिक करने के लिए ड्राइंग कर सकते हो, अगर नहीं किया तो भी चलेगा। अगर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे पेंट कलर, आपको यूज़ करना है ड्राई कलर, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे अम्ब्रेला का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको आपके बुक में इसको बनाना है अम्ब्रेला और स्टिक करना है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।